कंसीडर दिस गेट 2017 क्वेश्चन. क्या है? कंसीडर अ डेटाबेस दैट हैज द रिलेशन स्कीमा CR, स्टूडेंट नेम कॉमा कोर्स नेम. ओके, एन इंस्टेंस ऑफ स्कीमा CR इज गिवन बिलो. ये उसका एक इंस्टेंस गिवन है, मींस इस तरह से उसमें टपल्स भरी हुई हैं, फील्ड है टेबल में. ओके, इसके बाद का द फॉलोइंग क्वेरी इज मेड ऑन द डेटाबेस. ये दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. T1 क्या है? CR टेबल में टपल्स का सिलेक्शन हो रहा है. कंडीशन क्या है? अगर स्टूडेंट का नेम ऐसे है तो वो टपल सेलेक्ट किया जा रहा है, और इसके बाद जो ये रिजल्टिंग रिलेशन आ रहा है उसमें से कोर्स नेम सेलेक्ट कर लिया जा रहा है और उसको T1 में स्टोर कर दिया जा रहा है. कर लेते हैं इस काम को. इस टेबल का नाम है CR. ओके, अब इसमें स्टूडेंट नेम ऐसे किन का है तो ये देखो, पहला टपल, दूसरा टपल और तीसरा टपल तीन ही जगह पर है जहां स्टूडेंट का नेम ऐसे है, और कहीं पर ऐसा नहीं है इसका. और इसमें से इसका मतलब ये तीन टपल सेलेक्ट हो गए इस यहां से यहां तक में. अब इसमें से क्या किया जा रहा है? कोर्स नेम को प्रोजेक्ट करा ले रहे हैं. तो कोर्स नेम क्या है? ये ट्रिब्यूट है, तो CA CBCC. ये मैंने क्या किया, ये उठा करके और इसको एक टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी रिलेशन T1 में इसको डाल दिया गया. ओके, इस तरह से जो भी इस क्वेरी का रिजल्ट है यहां से यहां तक, उस रिलेशन का नाम है T1. ओके, अब क्या कह रहा है? T2 CR डिवीजन T1. ओके, CR डिवीजन T1 मतलब डिवीजन ऑपरेटर है. तो अब ये डिवीजन ऑपरेटर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक काम करता हूँ, इस टेबल को मैं इस साइड लिख लेता हूँ. ओके, हमको इस तरह से ज़्यादा आदत है, बेटर रहेगा. ये T1, यहाँ से ये आपने क्या किया, कोर्स नेम, और इसके बाद क्या कहा, CA CB और CC. ओके, अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ. अब ऑपरेशन मतलब इस टेबल में और इस टेबल में, ये इस तरह से डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है. तो हम कैसे एग्जीक्यूट, वैसे इसका पहले मीनिंग समझ लिया जाए CR डिवीजन T1 का. कहता है इसका मतलब, अगर ये स्टूडेंट नेम है, ये कोर्स नेम है, तो कहता है कि इस टेबल में वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑल द 3 कोर्सेस CA CB CC में इनरोल किया है, ओके, उनका नाम चाहिए. ओके, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए. तो अब इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मींस इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, ये देखते हैं. ओके, तो उनका नाम कैसे आएगा? वैसे तो हम एप्टीट्यूड से इसको देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों कोर्स को इनरोल किया है. तो अगर आप देखो, तो अगर इसका मींस डायरेक्टली आंसर करना है, ओके, तो ये तीन टपल जिसने क्या किया, ऐसे एक स्टूडेंट है जिसने तीन कोर्स में इनरोल किया है. ऐसे नाम तो तीनों जगह सेम है, CA CB CC. ओके, अब दूसरा देखते हैं, CA CB CC मतलब ये SC एक स्टूडेंट है जिसने तीन जगह पर कोर्स इनरोल किया है. ओके, इसके बाद CA CB CC SD एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, ये लास्ट ये वाला नहीं होगा, सिर्फ यहां तक. ओके, चूंकि SD ने 4 कोर्स में इनरोल किया है, एक कोई कोर्स CD है उसमें भी इनरोल किया है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है. हमको वो स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने इन तीन कोर्सेस में इनरोल किया हो. तो SD ने CA CB CC तीनों में इनरोल किया है, तो SD भी एक आउटपुट आएगा. अब देखते हैं आगे, ऐसी इसने क्या किया है, CD CA मीन्स SC ने 3 कोर्स में तो इनरोल किया है, लेकिन वो CC कोर्स नहीं है, CD है, तो इसकी वजह से ये नहीं टपल में होगा. लेकिन SF को देखो, SF CA CB CC इसका मतलब SF ने भी इन तीन कोर्सेस में इनरोल किया है. ओके, इस क्वेरी का रिजल्ट क्या है, इस क्वेरी को फॉर्मलाइज करें लैंग्वेज की फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव इनरोल्ड इन ऑल द 3 कोर्सेस.
ओके गिवन इन द टेबल टी वन। ओके तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट होगा मतलब सॉरी हाँ ओके नो इशू, ये इस टेबल का नाम क्या है टी टू, और यहां पर नाम क्या दूंगा स्टूडेंट नेम। ओके स्टूडेंट नेम, और इस तरीके से ये क्या होगा एस ए एस सी और एस डी और एस एफ। ओके तो इस तरह से इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर तो 4 है, और अगर आपको ये परफॉर्म करना है डिवीजन ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी मीन्स कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप डिवीजन ऑपरेशन चाहते हैं तो डिवीजन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके लेकिन मुझे आंसर निकालना था 4 एंड दैट्स डन। अगर आपको इसको डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करके करना है तो आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं आता तो पीछे जा करके पहले डिवीजन ऑपरेटर को देख ले एक बार एंड देन अगेन सॉल्व इट। ओके एंड दैट्स